नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा अध्याय छठी कक्षा का, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के बारे में पढ़ने से पहले हमें चार चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परवर्ती और पूर्ववर्ती, ये चार शब्द ऐसे हैं जो 2.1 एक्सरसाइज के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जो प्रकृति के अंदर जब हम चीजों को गिनते हैं, ठीक है, तो जब हम चीजों को गिनते हैं कौन सी संख्याओं का यूज करते हैं। हमने कभी गिनते हुए कहा है कि ये -1 है, -2 चीजें हैं, -5 चीजें हैं, या 0 चीज है, ये हमने कभी नहीं ना कहा। तो हम कैसे गिनते हैं, हम कहते हैं एक चीज है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना, तो हम जो गिनती शुरू करते हैं प्रकृति के अंदर वो कहां से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं जब हम प्रकृति के अंदर चीजों को गिनते हैं। तो फिर एक से शुरू होने वाली आगे जितनी भी जाएंगी सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्लियर, ये होती है प्राकृत संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, अब बात आती है। तो जब हमने प्राकृत संख्याओं को यूज करना शुरू किया तो वहां पे एक अंक है 0, ठीक है, उसके उसका जो यूज है उसकी महसूस हुआ हमें। ठीक है, मान लो किसी ने कहना है कि वहां पे कोई भी चीज नहीं है तो वो कैसे कहे, प्राकृत संख्याओं के अंदर तो कोई ऐसी संख्या ही नहीं है, ऐसी संख्या ही नहीं है जो हमें ये बता दे कि वहां पे कोई भी चीज नहीं है। तो इसलिए 0 को जब इन अंकों के अंदर शामिल किया गया तो उनको बोला गया पूर्ण संख्याएं। अब फिर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं। मतलब सभी प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 को और शामिल कर लो। ठीक है, 0 को शामिल करने के बाद हमारे पास एक नया बंडल बन गया, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये वाला बंडल कहलाता है पूर्ण संख्याएं। क्लियर, अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, अब बताओ सभी पूर्ण प्राकृत के अंदर हैं, नहीं है, क्योंकि पूर्ण के अंदर एक 0 पड़ा है जो के प्राकृत के अंदर नहीं है। ठीक है, उसके बाद किसी संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होते हैं। परवर्ती क्या होता है, परवर्ती का अर्थ होता है बाद वाला। क्लियर होगी बात, इसको आपने याद रखना है, परवर्ती बाद वाला। और पूर्ववर्ती क्या होता है, पहले वाला। अब बताओ फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चार एक अंक है हमारे पास, इसका परवर्ती बताएं, परवर्ती कौन सा होता है, बताओ फिर, परवर्ती होता है बाद वाला। तो चार के बाद संख्या कौन सी आएगी, 5। आपसे पूछा जाए कि चार का पूर्ववर्ती बताएं, पूर्ववर्ती होता है जो पहले आता है इससे, तो वो कौन सा आ जाएगा, 3। तो यहां पे बेटा एक शब्द 3 है, एक शब्द 5 है। ठीक है, तो ये 3 है जो, ये क्या है, 3 पहले है ना, पहले वाला कौन सा होता है, पूर्ववर्ती, इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती। क्लियर, उसके बाद आता है 5। 5 क्या है, बाद वाला। बाद वाला कौन सा होता है, परवर्ती। 5 को हम क्या लिखेंगे, परवर्ती। क्लियर, अगर आपको इन चार शब्दों के बारे में क्लियरिटी हो चुकी है तो एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, आप उसको खुद भी कर पाओगे।
अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की प्रश्नों की, जिसका पहला प्रश्न है हमारे पास 10,999। ठीक है, हमारे पास एक संख्या है 10,999। इन्होंने कहा है कि इसकी अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखें, इसके बाद वाली, ठीक है, इन्होंने पूर्ववर्ती या परवर्ती कुछ नहीं लिखा, सिंपली लिखा है कि इसके अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखें। तो इसका हल क्या होगा बेटा, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? आप जुबानी भी ज्ञात कर सकते हो, अगर आपको जुबानी नहीं आता तो आप क्या करोगे, इसके अंदर एक प्लस कर दो पहले। ठीक, जब आप एक प्लस करोगे, 9 1 10 की जीरो कैरी एक, 9 1 10 की जीरो कैरी एक, 9 1 10 की जीरो कैरी एक, तो ये आपके पास 11,000 आ गया। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, उत्तर आएगा 11,000। उसके बाद वाली तो अब क्लियर हो गया ना, 11,001, फिर 11,002, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर दो के बीच में इन्होंने कहा है 10,001। क्वेश्चन नंबर टू है जो, उसमें है 10,001 के पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखी। ये तो था इसके बाद वाली, है ना, हमसे पूछा था बाद वाली संख्याएं, अब इसके पहले वाली तीन संख्याएं, तीन पूर्ण संख्याएं। तो पहले वाली बेटा तीन पूर्ण संख्याएं हम कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर क्या आएगा, इससे एक पहले, आपको पता है ये 10,001 है, इससे बिल्कुल एक पहले कौन सी संख्या आनी चाहिए, 10,000 आना चाहिए, है ना। फिर 10,000 से पहले कौन सी संख्या होती है, 9,999। अगर आपको ये संख्या जुबानी नहीं पता चल रही तो आप क्या करोगे, 10,000 में से एक माइनस करके देखो, क्लियर, फिर 9,999, फिर 9,998, ये आपका आंसर आ गया प्रश्न नंबर दो का। उसके बाद प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन अभी मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर करवाया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। बताओ बेटा, पूर्ण संख्याएं जो थी वो हमने कहां से शुरू की थी, जीरो से शुरू की थी। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आ जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसका आंसर आएगा जीरो। अगर आपसे पूछा होता सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताएं तो आप क्या लिखते, एक लिखते। उसके बाद प्रश्न नंबर चार, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर चार जो है, इन्होंने कहा है 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमसे पूछा गया है। बेटा, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में अगर हमने संख्याएं ज्ञात करनी हो तो वहां पे आप एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, 53 में से पहले 32 निकाल दो, 53 में से 32 निकाल दो, कितना आंसर आया, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 3 गए 21 आ गया ना। हमने बताना है 32 और 53 के बीच कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अब आप देखो कि आपका आंसर सही है या गलत है, ये कैसे देखेंगे हम, इसको देखने का तरीका ये है बेटा, 32 और 53 की जगह पे आप कोई छोटे नंबर ले लो पहले, वैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, मान लो हमने नंबर ले लिए 4 और 7, 4 और 7 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम 7 में से 4 को माइनस करते हैं, 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, 3 आता है। अब बताओ 4 और 7 के अंदर कितनी संख्याएं हैं,
अगर हम लिखते हैं तो पहले चार लिखेंगे, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, ऐसे लिखेंगे ना, है ना। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में दो संख्याएं हैं, कितनी है, दो है। तो पर अपना आंसर जो आया है वो कितना आया है, चार और सात के बीच में तीन आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो संख्याओं के बीच में संख्याएं ढूंढनी हैं कि कितनी हैं, तो आप उनके अंतर में से एक और माइनस करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। क्लियर हुई बात। यहां पे हमारे पास आंसर आया था 21। देखो पहले आंसर कितना आया था, 21। 21 किसका आंसर था, 32 और 53 के बीच में से, इनको माइनस करके हमारे पास आया था 21। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला ढूंढा कि इनको माइनस करने के बाद एक माइनस और करना पड़ता है। तो इसका हल क्या होगा बेटा, इसका हल होगा 53 माइनस 32, ठीक है, माइनस एक। चलो पहले आप इसको कर लो, 53 माइनस 32। जब 53 माइनस 32 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 21। उसके बाद में फिर एक माइनस कर दो तो आंसर कितना हो गया, 20। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि दो संख्याओं के बीच में हम संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, उनको सीधा माइनस करने के बाद उसके बाद भी हमें एक माइनस करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट है, इन्होंने कहा है हमारे पास है कि निम्न के परवर्ती लिखें। ए पार्ट है इसका बेटा, ए पार्ट में संख्या दी है 244 0701। इन्होंने क्या कहा है कि इसका परवर्ती लिखें, क्या लिखना है हमने, परवर्ती ये लिखना है। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि परवर्ती जो है वो बाद वाला होता है कि पहले वाला होता है, परवर्ती बेटा बाद वाला होता है, है ना। तो आप अपनी कॉपी पे इस प्रश्न को कैसे हल करोगे, हल के अंदर आप लिखोगे परवर्ती बराबर में 244 0701 प्लस एक। क्यों किया मैंने प्लस, क्योंकि परवर्ती बाद वाला होता है तो हम प्लस एक करेंगे। अगर हमसे यहां पे पूर्ववर्ती लिखा होता तो हम माइनस एक करते, क्लियर, ठीक है। तो एक प्लस एक 2 0 7 0 4 4 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके जितने भी पार्ट हैं वो खुद कर सकते हो आप, कैसे करना है, सभी के अंदर आपने प्लस वन करना है, एक को प्लस कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जो उसके भी जो सभी पार्ट हैं उन्होंने क्या कहा है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखें, क्या लिखना है, पूर्ववर्ती। तो बेटा जब हमने परवर्ती लिखा तो हमने क्या किया, प्लस वन, एक को प्लस कर दिया। जब हम पूर्ववर्ती लिखेंगे यहां पे तो आपने यहां पे प्लस वन की जगह पे माइनस वन लगा देना है, क्लियर। लिखने का तरीका, प्रश्न को हल करने का तरीका सेम रहेगा, परवर्ती की जगह पे पूर्ववर्ती आ जाएगा, प्लस वन की जगह पे माइनस वन हो जाएगा। इसलिए पांचवा और छठा दोनों प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि बड़े आसान प्रश्न हैं। परवर्ती के अंदर हमने प्लस वन करना है और पूर्ववर्ती के अंदर हमने माइनस वन करना है, क्लियर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 के अंदर इन्होंने क्या कहा है बेटा, ये भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में। प्रश्न नंबर सात में इन्होंने संख्याएं दे रखी हैं हमें, दो दो संख्याएं हैं। इन्होंने कहा है कि ये वाले सिंबल का यूज करें,
उन संख्याओं के अंदर बताएं कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। ठीक, जैसे इसका पहला प्रश्न ए पार्ट में लिखता हूं। ए पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है 530 कॉमा, कॉमा की जगह पे आप क्या लगा दो, यहां पे बॉक्स लगा दो, क्योंकि हमने इन जो निशान है इनमें से कोई एक को यहां पे भरना है। फिर है 503। ठीक, ये इसका ए पार्ट है। बी पार्ट भी चलो मैं लिख देता हूं, 370 और दूसरी तरफ है 307। अब हमने यहां पे इनमें से कोई निशान इसके अंदर भरना है। कैसे भरोगे? कई बच्चों को शायद ना पता हो कि बड़ी जब संख्या होती है तो उसकी तरफ खुला मुंह होता है कि बंद मुंह होता है, ये उनको शायद ना पता हो। तो इसका एक फॉर्मूला है बेटा, आप ये समझ लो कि इसके एक तरफ तो एक लड्डू है, एक तरफ कितने लड्डू हैं? दो लड्डू हैं। क्लियर? जो बड़ा है उसको कितने लड्डू देने हैं? दो लड्डू देने हैं, और जो छोटा है उसको एक लड्डू देना है हमने। क्लियर? दोनों सिंबल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। अब देखो पहला प्रश्न, 530 503 कौन सा बड़ा है? 530 वाला बड़ा है, तो कितने लड्डू मिलेंगे इसको? दो लड्डू मिलेंगे, तो दो लड्डू इसको मिलेंगे, एक लड्डू इसको मिलेगा, तो सिंबल कौन सा बन गया? ये वाला। क्लियर? इसी तरह सेकंड के अंदर इसको दो लड्डू मिलेंगे, इसको एक लड्डू मिलेगा, तो सिंबल इस साइड। अगर दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे? बराबर का निशान डालेंगे। बहुत आसान प्रश्न है जी आपके। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बेटा इन्होंने हमें सत्य असत्य के लिए कहा है। जैसे इसका ए पार्ट करते हैं हम, ए पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आपको पता है और मैंने बताया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, कहां से शुरू होती हैं। हमने सेट किया था ना पहले वाला, तो कहां से शुरू थी? वो एक से शुरू थी, तो फिर ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्लियर? आपने इसके आगे लिखना है असत्य। 400 संख्या 300 का पूर्ववर्ती है। बेटा 300 संख्या है कोई, इसका पूर्ववर्ती कौन सा होना चाहिए? पूर्ववर्ती का मतलब एक पहले वाला, ठीक है, 299 होना चाहिए, इन्होंने तो 400 कह रखा है, गलत है। फिर सी पार्ट, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सही बात है, ठीक है, क्योंकि हमने शून्य को जब प्राकृत संख्याओं के अंदर मिलाया था तो वो पूर्ण बन गई थी, तो सही है। 600 599 का परवर्ती है। परवर्ती कौन सा होता है? बाद वाला, तो 599 के बाद में 600 ही आता है ना, तो सही है बिल्कुल। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, बताया था ना आपको, प्राकृत 1 2 3 वाली पूर्ण के अंदर आती हैं, तो ये भी सही है इसका। क्लियर? उसके बाद इसका एफ पार्ट, एफ पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं। सभी कहता है जो पूर्ण है वो प्राकृत के अंदर आती है, बोलो सही है जी, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं, गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 है जो, वो प्राकृत के अंदर नहीं आती। क्लियर? इसके बाद जी पार्ट, जी पार्ट में इन्होंने कहा है दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकता। कहता है दो अंकों वाली कोई भी संख्या ले लो, उसका अगर हम पूर्ववर्ती करते हैं, उससे पहले वाला देखते हैं, तो वो एक अंक की संख्या नहीं हो सकता, गलत है ये। क्यों? क्योंकि 10 ले लो, 10 का पूर्ववर्ती बताएं कितना होता है? 10 का पूर्ववर्ती कितना आएगा? 9 आएगा। ये कितने अंकों की है? 2 अंकों की। ये कितने अंकों की है? 1 अंक की। इन्होंने तो कहा था हो ही नहीं सकता एक अंक वाली संख्या,
तो ये जी पार्ट है जो ये भी इसका गलत है। एच पार्ट के अंदर लिखा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्लियर है गलत है ना, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। फिर आई पार्ट इसका, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। आई पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है प्राकृत संख्या, देखो यहां पे क्या लिखा है, प्राकृत संख्या एक, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब इससे पहले कोई संख्या नहीं होती। ठीक है, आप कहोगे सर एक से पहले जीरो होती है, पर बेटा ध्यान दो, एक से पहले जीरो होती है लेकिन जीरो तो कौन सी है, पूर्ण संख्या है। इन्होंने क्या कहा है, एक को किसमें लिया है, प्राकृत में, इन्होंने एक को प्राकृत में लिया है, तो प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती आएगा कोई, क्योंकि प्राकृत संख्या सभी एक से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ही एक है, तो इससे पहले कुछ भी नहीं आता प्राकृत के अंदर। यहां ना बात समझने की है, अगर बात प्राकृत संख्याओं की हो रही है और एक का पूर्ववर्ती पूछ लिया तो नहीं है कोई, अगर बात पूर्ण संख्याओं की हो रही है और एक का पूर्ववर्ती पूछ लिया तो जीरो है, सही है। बात क्लियर हुई, देखो प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती, मैं इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं, ये पूछा गया है एक का पूर्ववर्ती वैसे तो जीरो होता है पर जीरो प्राकृत नहीं आता, इसलिए एक का पूर्ववर्ती नहीं होता कोई भी। ठीक है, तो इन्होंने भी यही लिखा था कि एक का पूर्ववर्ती नहीं होता, तो बात सही है। इसके बाद जे पार्ट, पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती नहीं होता, अब आ गई ना बात वही कि पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती होता है, जीरो होता है वो, क्योंकि वो भी पूर्ण है। ठीक है, तो जे पार्ट है जो इनका वो गलत है, जे पार्ट इनका गलत है, आई पार्ट इन्होंने सही बोला था कि पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच में स्थित है, आपको पता ही है बीच में होती है कभी 13, 11 और 12 की, गलत है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं, हाँ अब देखो पूर्ण संख्या 0, क्योंकि सभी संख्याएं 0 से शुरू होती है पूर्ण वाली, ठीक है, तो उसका पूर्ववर्ती कोई नहीं होता, सही बात है इनकी। एम पार्ट, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों वाली संख्या होता है, गलत आंसर है, मतलब दो अंकों वाली कोई संख्या है, मैंने 99 ले लिया, इसका परवर्ती 100 आएगा, ये कितने अंकों की है, दो अंकों की, ये कितने अंकों की है, 3 अंकों की, तो जरूरी थोड़ा है कि उसका जो परवर्ती आएगा वो 2 अंकों की ही आएगा, गलत आंसर है एम का भी। क्लियर, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। अगर कोई भी माइंड में डाउट है तो मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।